हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव स्वागत करता हूँ आपका जीके बास्केट में। एंड फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि मैं करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला रहा हूँ, उस करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग अपना पार्ट 5 देखेंगे। यू नो वेरी वेल कि मैंने पार्ट 4 तक इस सीरीज को अपलोड कर दिया है और आज पार्ट 5 देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CHSL एग्जाम आ रहा है, बहुत ही करीब है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं भी जितना एफर्ट हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही यहाँ पर दे रहा हूँ। तो अगर रेलवे का एग्जाम हो या SBI का एग्जाम आगे जो एसोसिएट का होना है, या फिर मैं बोलूँ CHSL या फिर UP पुलिस, तो मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो UP पुलिस, रेलवे एग्जाम और CHSL, इन तीन एग्जाम को मेनली फोकस मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। इक्वेरियन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। यू नो वेरी वेल ये इंडिया है इस तरीके से, ठीक है, और इंडिया पे नीचे यहां पर देखते हो इंडियन ओशन में क्या मालदीव है। तो ये दो कभी मालदीव में क्या लगी थी, क्राइसिस, कौन इमरजेंसी क्राइसिस था, कहां पर, मालदीव में। तो ये तो आपको पता ही होगा ही, ठीक है। यामीन जो है आगे क्या है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहां पर घोषित कर दिया था क्या, इमरजेंसी। तो ये पता ही होगा आपको। अब इसमें पूछा इक्वेरियन, इक्वेरियन एक एक्सरसाइज है जो किस किसके बीच में हुई है, जो बेलागावी कर्नाटक में हुई है किसके बीच में, मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके, मालदीव के बीच में, और दूसरा इंडिया के बीच में। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ मालदीव इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो इक्वेरियन, क्योंकि इसमें क्राइसिस हुआ है, इमरजेंसी क्राइसिस है, तो इसलिए याद रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मालदीव से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कर्नाटक है और स्थान क्या है, बेलागावी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ऑयल एंड गैस बैक्ड क्रिप्टो करेंसी वॉज लॉन्च्ड बाई वेनेजुएला। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक क्रिप्टो करेंसी जिसे हम वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है, जैसे बिटकॉइन था, ठीक है, क्या था, बिटकॉइन, तो ऐसे ही वेनेजुएला ने भी अपना एक करेंसी लॉन्च किया है और इसे ना ऑफिशियल करेंसी बोला गया है। ठीक है, तो वो करेंसी का नाम क्या है, पेट्रो, क्या नाम है, पेट्रो, और वो कहाँ यूज होगा, वो ऑयल में, गैस में, या मैं बोलूँ गोल्ड या डायमंड, तो इन बिजनेस में ये करेंसी को यूज किया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल के दाम गिर जाने से, ठीक है, और यहाँ वेनेजुएला में क्या होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन अधिक, ऑयल प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी वेनेजुएला से बाहर ये जो इसका ऑयल है वो उसका सेल नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा कि वेनेजुएला का जो भी करेंसी था, यानी जो भी मैं बोलूँ फॉरेन एक्सचेंज था, तो वो क्या हो गया, वो उसका खत्म हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि करेंसी फॉल हो गया, कंडीशन कहां पर होगी, वेनेजुएला में। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी करेंसी लॉन्च कर दी, बोल रहे हैं कि हम ऑयल, गैस और गोल्ड और डायमंड में इस करेंसी को यूज करेंगे जिसका नाम क्या, पेट्रो। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी करेंसी की है, पेट्रो, कहां की है, वेनेजुएला की है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम लोग अगले, हमारा जो करंट अफेयर्स है, ओलंपिक्स विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022। ठीक है, तो अभी ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, अच्छे से आपको पता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने कई बार बताया वीडियो में, प्योंगचेंग, प्योंगचेंग कहाँ पर, साउथ कोरिया में। कह रहा है कि ये तो 2018 में हो रहा है, 2022 की बात आती है, तो 22 में कहाँ होंगे, तो आप 22 में बता देना कहाँ होंगे, बीजिंग चाइना में होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मैं समर ओलंपिक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, समर ओलंपिक्स, तो समर ओलंपिक्स 2016 में कहां हुए थे, अच्छे से पता है आपको, ब्राजील में हुए थे, रियो डी जेनेरियो। अब पूछ रहा कि 2020 में, क्योंकि समर भी 4 साल में होते हैं, विंटर भी 4 साल में होते हैं, ठीक है, तो 2020 में कहां होने वाले हैं समर, तो ध्यान रखना कहां पे ये आपके होने वाले हैं, जापान, कहां पे, जापान में। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जॉय जॉय गोस्वामी गॉट विच अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड, 31st अवार्ड है, कौन सा 31st अवार्ड है, ठीक है, मूर्ति देवी अवार्ड, मूर्ति देवी साहित्य में दिया जाता है, तो ये 31st मूर्ति देवी अवार्ड है जो जॉय गोस्वामी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि इन्होंने कौन सी ऐसी कोई लिटरेचर लिखा है जिसके लिए इनको दिया जा रहा है, तो वो क्या है, दू दोंदो फोवारा मैत्रो। तो सबसे पहली चीज, ये बंगाली भाषा एक कवि है, क्या मिला है इनको, मूर्ति देवी अवार्ड मिला है। दूसरी चीज, इन्होंने कौन सा कृति लिखा है, वो लिटरेचर है इनका, द्यू दोंदो फोवारा मात्रो, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने चार ही जो करंट अफेयर्स कराए, अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, प्रियंका चोपड़ा क्लिंच्ड मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। तो प्रियंका चोपड़ा जो हमारी एक्ट्रेस है, इनको क्या ये UN की सद्भावना, ठीक है, सद्भावना राजदूत से बोलते हैं, ठीक है, तो सद्भावना राजदूत थी UN की, ठीक, किसके लिए, डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस्ड पीपल, तो जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं यानी रिफ्यूजी टाइप के हैं, तो उनको शरण देना, उनको शेल्टर देना और उनकी उनकी कंडीशन को सुधार करने के लिए,
इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से इन्होंने ऐसा काम किया है, तो उस काम के लिए प्रियंका चोपड़ा को ये मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मदर टेरेसा के बारे में जानते ही, इन्हें भारत की नागरिकता मिली है 1948 से 1997 तक ये कहाँ रही, भारत में रही है, और फिर मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला है, ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला है, ये भी याद रखना। तीसरा रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये तो आपसे पूछ सकता है इनमें से किसको भारत रत्न नोबेल पुरस्कार दोनों दिए गए हैं, तो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 79 में और भारत ने दिया था 1980 में, इतना याद रखना इसको, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ऑथर ऑफ द नोबेल टू, ठीक है, इसे बोल रहा है क्या कि नोबेल एक टू टू नोबेल लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, गुलजार के द्वारा, गुलजार को अच्छे जानते हो, लिरिस्ट हैं गुलजार, ठीक है, तो इन्होंने एक नोबेल लिखा है, ठीक है। अब वो इंग्लिश में है नोबेल, किस भाषा में है, इंग्लिश में नोबेल है, तो ध्यान रखना ये नोबेल क्या बताता है, ये नोबेल बताता है कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया जो भी रिफ्यूजी थे उन रिफ्यूजी का स्टेटस क्या था, तो उस स्टेटस के बारे में लिखा है किसने, गुलजार ने। गुलजार का दूसरा नाम क्या है, संपूर्णानंद कालरा, क्या बोलते हैं हम, संपूर्णानंद कालरा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट स्टेट विच ऑफर द फ्री ईमेल एड्रेस इन हिंदी, तो ध्यान रखना कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग इंग्लिश में ईमेल एड्रेस नहीं लिख पाते, तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं आप लोग हिंदी में भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, तो ये केवल किसके लिए होगा, ये केवल राजस्थान वालों के लिए हुआ, जो राजस्थान के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए होगा। तो पूछ सकते हैं कौन से स्टेट ने फ्री ईमेल एड्रेस ऑफर किया है अपने रेजिडेंट्स के लिए, तो वो राजस्थान हो गया। अगला हमारा करंट अफेयर क्या है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो ध्यान रखो अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसमें भारत का 81 प्लेस है, किसमें, करप्शन में, इंडेक्स में, ठीक है। तो अब ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते कब है हम लोग, 9th ऑफ दिसंबर, तो याद रखना दोनों को, ठीक है। और 10th ऑफ दिसंबर को क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे होता है, तो ये भी याद रखना। चलो चलते हैं हम लोग आगे, यूएन प्रेडिक्ट इंडियास ग्रोथ इन 2017, ध्यान रखो यूएन संयुक्त राष्ट्र ने, ये यूएन की बात कर रहा है कि यूएन ने भारत की ग्रोथ रेट कितनी बताई है 2017 में, तो क्या बोलोगे 6.7, किसमें, 2017 में। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं हम लोग कि यूएन ने 66.7 तो बनाया है 2017 में बताया, लेकिन अगर 18 की बात होती है तो 18 में कितना बताया है, आप देख रहे हो 7.2 यहां पे दिया गया, ये यूएन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया, तो वर्ल्ड बैंक बनाया 7.3, किसमें, 2018 में। अब हम बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसने कितना बताया है 2018 में, 7.4, तो दोनों को आपको याद रखना है प्लीज, ठीक है। तो इसने यूएन ने बोला है 2018 में कितना रहेगा, 2018 77.2 रहेगा, बोल रहा है कि 2019 में कितना रहेगा, तो 7.4 रहेगा, ये यूएन ने बोला है। तो मैंने तीनों को दिखाया कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है 7.3 2018 में, आईएमएफ ने 7.4 बोला है, और यूएन ने कितना बोला है 7.2, और 6.7 बोला है, 2017 का ग्रोथ रेट बताया किसने, यूएन ने। चलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर पर, ट्यूरियम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ट्यूरियम डैम कहां पर है, ट्यूरियम डैम है मिजोरम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस डैम का उद्घाटन किया और वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखना एनएम ने उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी ने कहा, मिजोरम में है वो, ठीक है। अगला हमारा करंट अफेयर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डे और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वेदास, ठीक है, विश्व स्तर पर जो वेदा है, वेदास है, वेद है, जो उनसे जुड़ी हुई क्या हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहां हुई है, वो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है, तो याद रखना वेदों के बारे में चर्चाएं हुई हैं। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यू नो वेरी वेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है, गोवा में हुआ है, तो मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो आप पूछ रहा कि ये फिल्म मेकर हैं, कैनेडियन फिल्म मेकर हैं, जिनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, एटम इगोयान, ठीक है, तो याद रखना इसको। पता है कंट्री विच होस्टेड द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इंडिया, तो ध्यान रखना कि क्या ना बोल रहा है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मिलिट्री मेडिसिन आईसीएमएम, ये कब बना था, 1921 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, इतना मैंने पढ़ लिया। अब समझो यहां पर कि कंट्री विच होस्टेड द वर्ल्ड कांग्रेस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, तो कहां पर, इंडिया में हुआ है, ध्यान रखना इंडिया में ये बैठक हुई है। इसमें होता क्या है कि जो भी आर्म फोर्स है, तो आर्म
फोर्स में जो मेडिकल सर्विस है, मेडिकल सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए देशों में एक दूसरे के लिए कॉपरेशन से संबंधित एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलते हम लोग, थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट। तो एंटरप्रेन्योर समिट जो हुआ है, कहाँ हुआ है, पहली चीज तो हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। अब पूछ सकता है कि इंडिया का एसोसिएटेड कंट्री कौन था साथ में, तो वो यूएसए था। यूएसए से कौन आया था, यूएसए से जो डोनाल्ड ट्रंप की है, डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो बेटी है इवांका ट्रंप, इवांका ट्रंप आई थी, जिसने कि यूएन का, सॉरी यूएसए का रिप्रेजेंटेशन किया था। तो दोनों को याद रखना। इसे पूछा इसकी थीम क्या है, तो आप ध्यान याद रखना फर्स्ट वुमन, ठीक है, फर्स्ट वुमन, और फिर क्या है, प्रॉस्पर्टी फॉर ऑल, प्रॉस्पर्टी फॉर ऑल, प्रॉस्पर्टी फॉर ऑल। तो ये क्या है, इसकी थीम थी, ठीक है, याद रखना थीम को कि वुमेन फर्स्ट है, उसके बाद अगर वुमेन फर्स्ट है तो सभी के लिए क्या है, खुशहाली है फिर, तो प्रॉस्पर्टी फॉर ऑल। फिर आता है हमारा अगला करंट अफेयर, इंडिया है रिसेंटली साइन पैक्ट फॉर वीजा फ्री एंट्री फॉर फ्लाइट क्रू। तो जो फ्लाइट क्रू होता है, जैसे ये रसिया का विमान है, ठीक है, रसिया का विमान कहाँ पे, ये इंडिया में, रसिया का विमान ये इंडिया में आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो रसिया का विमान जो इंडिया में आता है यहाँ पर, तो आपको तो इनके लिए क्या होगा, इनके जो क्रू होंगे, क्रू मेंबर होंगे, इन क्रू मेंबर जो भी क्रू मेंबर बैठे हैं, इनके लिए कोई वीजा जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री वीजा आ सकते हैं, ठीक है, उनसे वीजा नहीं लिया जाएगा। तो ये पैक्ट हुआ है, तो याद रखना कि भारत ने किस देश के साथ एक पैक्ट पे समझौता किया है, जिसमें कि उस देश के जो क्रू मेंबर होंगे उनको वीजा नहीं लेना होगा भारत में एंट्री के लिए। तो वो देश क्या है, वो देश हमारा रशिया। अगला हमारा फैक्ट क्या है, संघाई फेस्टिवल 2017 वॉज हेल्ड इन मणिपुर। तो याद रखना कि संघाई फेस्टिवल जो मणिपुर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब संघाई फेस्टिवल इसको बोलते हैं, तो कहां होता है, वो मणिपुर में होता है। और हॉर्नविल फेस्टिवल कहां होता है, ये भी आपको बताना है। तो हॉर्नविल के बारे में बताया था, नागालैंड, ध्यान रखना हॉर्नविल नागालैंड, संघाई कहां, मणिपुर। चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट पर, का इंडियन ओरिजिन रिसर्चर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूएन एड्स स्पेशल एंबेसडर फॉर एडोलसेंट एंड एचआईवी। तो कह रहा है इंडियन ओरिजिन है, रिसर्चर है, तो वो लेडी कौन है जो अपॉइंट की गई है, किसके लिए, यूएन एड्स स्पेशल एम्बेसडर, मतलब एड्स से पीड़ित जो रोगी है, तो एड्स से पीड़ित जो रोगी है, ठीक है, उनकी कंडीशन सुधार करने के लिए, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, तो इन सारे मुद्दों के लिए एम्बेसडर बनाई गई है, ठीक है, वो कौन, कुरेशा अब्दुल करीम, ठीक है, कुरेशा अब्दुल करीम। तो याद रखना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, यूएन से जुड़ा हुआ है इसलिए। फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना फिफ्थ एडिशन किसका हुआ है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस। तो कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, साइबर स्पेस पर अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसको इनॉग्रेट किसने किया, तो मोदी ने किया, इतना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको पता लगे कि कोई भी हेडक्वार्टर आपको पता नहीं हो कि ये कहां पर हो रहा है, तो आप सीधा सीधा याद रख लेना कि कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी समिट हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है, उसमें समझ में नहीं आता है ऑप्शन समझ में, तो आपको क्या करना है, रिस्क ले लेना है और आपको दिल्ली लगा देना है, कि मोस्ट ऑफ दी जो कमिटी होती है और जो कन्वेंशन होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है करंट अफेयर, फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट। तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट फर्स्ट एवर, पहली बार ऐसा समिट हुआ है, वो कहाँ हुआ है, मणिपुर में हुआ है। तो प्लीज याद रखना कहां पर हुआ है, मणिपुर हुआ है, ठीक है। अब आखिरी जो हमारा है करंट अफेयर्स में, ही हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। अभी बना है जीएसटी में, जब रेट गिरा था ना, अब जीएसटी का रेट डाउन किया गया, तो हालांकि 50 ऐसी कमोडिटी है जिन पर 28% है, बाकी पे नहीं है, ठीक है, 50 ऐसी कमोडिटी जिन पर क्या है 28% है, बहुत सारी कमोडिटी है उनको 18 से 12% कर दिया गया है। तो ये अभी आपने देखा था कि सरकार ने क्या जीएसटी रेट को कम किया, डिक्रीज किया था, तो उसके साथ साथ में एक उन्होंने कमेटी बनाई है एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का काम क्या होता है कि सरकार जो इनपुट क्रेडिट देती है, इनपुट क्रेडिट देती है, यानी टैक्स पर टैक्स लगता है, उसके लिए क्या इनपुट क्रेडिट दी जाती है, और साथ में सरकार अगर टैक्स रेट में गिरावट करती है तो इसका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो कंज्यूमर तक पहुंचे, तो इसको अश्योर करती है कौन, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो प्लीज रखना कि इसका जो हेड बनाया गया वो कौन है, बद्री नारायण शर्मा, ठीक है, बद्री नारायण शर्मा, मैंने काम बता दिया एंटी प्रॉफिट। तो आप पूछे थे ना ना क्या है, तो याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे जो आज के 20 करंट अफेयर्स थे, ठीक है, ध्यान रखना पार्ट 5 है ये। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब लाइक शेयर यही सब है, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके, हमारे आप जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग क्लासेस, तो उनका भला हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।